हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय ऊंचा पुल पर हल्द्वानी में। और ऊंचा पुल पे दोस्तों किस जगह हूँ और कौन से आज मैं फूड का रिव्यू करूँगा पूरा मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं क्या फूड है और कैसा जायका है फूड का। तो दोस्तों, ये है आपकी ऊंचा पुल रोड, सामने आपको मंदिर का चौराहा आ जाएगा और यहीं से आप जब मंदिर से आप लेफ्ट साइड में अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा मोमोज पॉइंट। ये बनाते हैं कुछ अलग टाइप के मोमो, ऐसा हमने सुना है। आटे वाले मोमो बनाते हैं दोस्तों, और फास्ट फूड में कितनी वैरायटी बनती है पूरी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और भैया से एक छोटी सी मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कितना पुराना काम है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप है, ये छोटा सा सेटअप है ये, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है। अंदर बैठने के लिए बना रखा है, आप बैठ सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये एड्रेस अगर नाम मिले तो मैं भैया का नंबर डाल दूंगा। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके के मोमो हैं। तो ये काय के होते हैं, मैदे के होते हैं या आटे के? सारे आटे, टोटल सारा आटे का बनाते हो आप? तो ये आपके दोस्तों टोटल सारा आटे के बनते हैं मोमो, वेज नॉन वेज दोनों हैं। तो दोस्तों, इस समय मेरे सामने मोमो पॉइंट्स के ऑनर हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बढ़िया। तो पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए। दीपक सुयाल। दीपक? हाँ, सुयाल। सुयाल। तो दीपक भैया, कितना समय हो गया आपको ये आउटलेट खोले हुए मोमो का? चार पाँच साल हो गए। चार पाँच साल हो गए। हाँ। क्या क्या वैरायटी बनती है अपने वहाँ मोमो की? वेज नॉन वेज बनते हैं और उसके अलावा फास्ट फूड थुप्पा राइस आइज बनता है। अच्छा, थुप्पा राइस वगैरह, फ्राई राइस वगैरह, सब ये सारे आइटम बनते हैं। अच्छा, क्या टाइमिंग है अपनी दादी यहाँ पे? टाइमिंग है 11 से 9। 11 से रात के 9 बजे। अच्छा, किसी दिन छुट्टी वगैरह होती है? ऐसा नहीं, ओपन ही रहता है। सातों दिन मतलब कोई छुट्टी नहीं है, सातों दिन खुलता है। अच्छा, एक बार थोड़ा रेट बता दीजिए मोमो का अपने फास्ट फूड का, कितने शुरू है और कितने पे ख़त्म है? रेट 30 रुपये हाफ है, 50 रुपये फुल है। अच्छा, 30 रुपये हाफ है और 50 रुपये फुल है। तो कितने पीसेस वगैरह देते हैं उसमें आप? फुल में 10, हाफ में 6। तो दादी, एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, जैसे कोई आना चाहे खाने तो क्या एड्रेस है यहाँ का? लोहरिया साल तल्ला मोमो पॉइंट है ऊंचा पुल। तो उसके बाद भी दोस्तों मैं भैया का नंबर डाल दूंगा, जैसे एड्रेस ना मिले, एड्रेस मैंने पूरा बता दिया। ऊंचा पुल चौराहे पे जो मंदिर है आपका, मंदिर किसका है? वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर से आप उल्टे हाथ में अंदर आएंगे तो भैया का यहाँ पे सीधे हाथ में आपको आउटलेट मिल जाएगा मोमो पॉइंट के नाम से। तो हम भी भैया, हमें भी यहाँ पे आप अपने मोमो टेस्ट कराइए, हम भी बताते हैं कैसा टेस्ट है आपके मोमो का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक भाई हैं जो कि मोमो के मज़े ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लगा। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ का फूड? सही है, बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम खा रहे हो या पहले भी भैया खा चुके हो आप? तीसरी बार खा रहा हूँ। तीसरी बार। प्राइसिंग सही लगती है? सही है, 50 में सही है। 50 रुपये में सही है। धन्यवाद यार, टेस्ट भी सही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये अंदर को एरिया है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल साइड के लोग हैं जो आसपास रहते हैं, बताते हैं बहुत बढ़िया ये मोमो बनाते हैं, क्योंकि आटे के मोमो हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वो खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा स्वाद है भैया के वहाँ के मोमो का। तो दोस्तों, ये लग रहे हैं हमारे नॉनवेज मोमो है ना? और ये क्या लगाया ऊपर से आपने? बटर। ये बटर लगाया दोस्तों। और ये हमारे हाफ में कितने पीस आते हैं दादी? 6 पीस। 6 पीस आते हैं, फुल में 10। अरे, हमारे वेज मोमो। और ये फिर इसमें भी हमारे लग गए आपका बटर। तो ये दादी बटर काहे का, अमूल का लगाते हो? हाँ। तो फ्रेंड्स, चटनी वगैरह आपको खुद लेनी पड़ेगी, वो तो भैया प्यार में मेरे लगा दे रहे हैं। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको भैया दे देंगे। और कुछ इस तरीके से देखिए, जो ग्रीन वाले हैं मोमो, ये आपके वेज हैं, और जो हल्के येलो हैं वो आपके नॉन वेज हैं। तो दोस्तों, आप लोग लीजिए वीडियो का मज़ा, मैं लेता हूँ मोमो का मज़ा। तो दोस्तों, आटे वाले मोमो हमारे पास आ चुके हैं, और ये आपके देखिए, ये हैं आपके नॉन वेज। पहले तो मैं आपको दोस्तों फिलिंग दिखा दूँ। देखिए, फिलिंग बिल्कुल पतली है और छोटे छोटे मोमो, ज़्यादा बड़े नहीं है। और अंदर जो इन्होंने बैटल भर रखा है, ये कुछ मसाले वाला है ये। अब ये चिकन का है या मटन का, मुझे नहीं भैया, मटन का चिकन का है या चिकन का है जो कि बता रहे हैं। और टेस्ट करते हैं, और सैलेड वगैरह दिया है, लाल चटनी है मोमो की, हरी चटनी।
और बाइट बनाते हैं और खा के बताते हैं कैसा स्वाद है यहाँ के आटे वाले मोमो का। सबसे बढ़िया बात तो दोस्तों यह है कि आटे के हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होते हैं। मैदा थोड़ा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तब भी वो चलते बहुत ज़्यादा है क्योंकि फास्ट फूड है, दीवाने हैं लोग। और ये हैं आपके दोस्तों वेज, बड़े प्यारे से लग रहे हैं, हरे हरे ग्रीन कलर के, बहुत स्वीट हैं और लेयर पतली है आटे की, है तो थोड़ी हल्की सी मोटी रहती है, लेकिन मोमो बढ़िया है, दमदार है। और कुछ इस तरीके से फीलिंग है, इसमें वेजिज वगैरह होंगे, न्यूट्रीला सोया वगैरह जो पड़ी जाती है। इसका भी स्वाद लेते हैं, बताते हैं आपको। वाकई में जो इसके अंदर जो मसाला करा था उसका भी स्वाद कुछ अलग हटके है। और जगह जो वेज का मसाला होता है, एक न्यूट्रीला की महक सी आती है, वो महक इनमें नहीं है, दमदार मोमो है। मतलब वेज में बढ़िया मोमो, अच्छी फीलिंग है, नमक मसाले बिल्कुल संतुलित रखे गए हैं भैया के यहाँ। और आप ही लोगों ने बताया था तो मैं आया हूँ, वाकई में बहुत लाजवाब मोमो है ये, खा सकते हैं आप। आटे के मोमो हैं, नुकसान नहीं करेंगे, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे दो भाई लोग हैं हमारे जो कि यहाँ पे फूड खा रहे हैं। तो हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ बढ़िया। तो कितना फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो या पहले भी कर चुके हो? नहीं, हम तो रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे, हम पास में रहते हैं। अच्छा, पास तो में रेगुलर ही, मतलब हफ्ते दो हफ्ते में चक्कर लगते रहते हैं यहाँ पे, ताकि मोमो मोलो मोमो अच्छे यहाँ के। दैट्स व्हाई प्राइसिंग सही है भैया की? प्राइसिंग बेस्ट है, क्योंकि 50 में इतने 8-10 पीस मिलती भी नहीं गई। अच्छा, और बेटर टेस्ट है। तो आज क्या ट्राई कर रहे हो आप? आज हम थोड़ा वेज ट्राई कर रहे हैं, वेज फ्राइड राइस। अच्छा, वेज फ्राइड राइस। तो हमने कहा ये भी टेस्ट कर लेते हैं, मोमो तो रोज ही खाते हैं। तो स्वाद बढ़िया ना भैया? अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू भैया। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे इनके वहाँ भैया के यहाँ से आटे वाले मोमो टेस्ट करने थे, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, वही मैंने टेस्ट करा, वही मैं आपसे कहूँगा कि वो आप लोग भी आके आटे के मोमो एक बार टेस्ट करिए। दूर भले ही है, लेकिन आप कभी आते हैं ऊंचा पुल की तरफ तो भैया के वहाँ आके इनका फूड और फास्ट फूड और मोमोज वगैरह टेस्ट करिए, वाकई में बहुत बढ़िया है, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे आटे वाले मोमो ट्राई करें, वाकई में बहुत औसम थे। एक तो बहुत क्यूट से थे, हरे और येलो, बहुत प्यारे लग रहे थे, खाने से ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे थे। दोस्तों एक बार आप लोग भी यहाँ पे आइए, एड्रेस मैंने पूरा बता दिया, भैया का नंबर भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको एड्रेस ना मिले तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा नई जगह, नए स्वाद को दिखाऊंगा, नए जायकों को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।